कौन सा रोना, आदमी अपने गुनाहों पर रोए ऐसा रोना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही पसंद है। वो कैसे, आइए मुस्नद अहमद हदीस नंबर 52 35 22235 नंबर की हदीस, पूरी हदीस पाक में आपके सामने रखता हूं। عن نبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قلت يا رسول الله من نجا قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك। आज दुनिया का हर आदमी चाहता हमें नजात मिले, ऑल पर्सन वी टू सॉल्वेशन। आज दुनिया का हर इंसान चाहता हमें नजात मिले, हमें कामयाबी मिले। हर मुसलमान चाहता है कि हमें जन्नत मिले। लेकिन ऐ उम्मते मुसलमान के लोगों, क्या तुम भूल गए हो तुम्हें जन्नत कैसे मिलेगी, नजात कैसे मिलेगी? यही सवाल तो एक सहाबी रसूल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अली वसल्लम से किए थे कि अल्लाह के नबी हमें नजात कैसे मिलेगी। उकबा इब्ने आमिर रजी अल्लाह तआला ने पूछा था, अल्लाह के रसूल ने कहा था, ऐ उकबा इब्ने आमिर अगर तुम्हें नजात चाहिए, इस हदीस पाक के अंदर बयान किया गया कि तुम तीन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर लाजिम कर लो, ऐ उकबा इब्ने आमिर तुम्हें नजात मिल जाएगी। पहली चीज काल अमली कलई कलिसान, ऐ उकबा इब्ने आमिर अगर तुम्हें नजात चाहिए तो अपनी जबान अपने काबू में रख, अपनी जबान अपने काबू में रखा जाए, अपनी जबान को कंट्रोल रखा जाए, यानी दूसरे के खिलाफ बगावत ना की जाए, चुगलिया ना की जाए और ऐसे ही दिगर तरह की खुराफात ना किया जाए, सही मानों में अपनी जबान को इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी उम्मत के हादी और रहनुमा बन करके आए, पूरी उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम रहमत बन करके आए, अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐ लोगो तुम मुझे दो चीजों की जमानत दे दो, मैं तुझे जन्नत की जमानत देता हूँ, एक शर्मगाह की और दूसरी जुबान की। इसीलिए मुसलमानों शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमाया, जब कभी बोलना वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना मुख्तसर बोलना, डाल देगा हलाकत में एक दिन तुझे ऐ परिंदे तेरा शाख पर बोलना। ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, चुगल खोरी ना किया जाए। वलियस आका भाई तुम तेरा घर तेरे लिए काफी हो, वब किया ला खतियती, ऐ उकबा इब्ने आमिर अगर नजात चाहते हो तो क्या करो, अपनी गुनाहों पर रोओ, अपनी खताओं पर रोओ। तुम्हारा मौला तुम्हारे खताओं पर रोने की वजह से तुम्हारी गुनाहों को बख्श देगा, और ऐसा रोना तुम्हारे मालिक को बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये है रोने की, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोया जाए ऐसा रोना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है। वक्त हमारा खत्म हो गया, मगरिब का अजान होने वाला है, इसलिए कभी फिर मौका मिला आपके सामने अच्छे अंदाज में फिर गुफ्तगू की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम उम्मत मुसलमा को किताब व सुन्नत की सही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहा आलमीन हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।